सब्सक्राइब कीजिए टिपिकल वर्ल्ड चैनल को और देखिए एक्सक्लूसिव वीडियोस फ्री में। हम सभी ने देखा है डिश टीवी का जो HD सेटअप बॉक्स का सेटअप होता है उसमें जो LNB आता है उसमें दोनों LNB होता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि ये दोनों LNB किस लिए है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, शायद आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा कि इस दोनों LNB किस लिए है और इसका काम क्या है। ये जो दोनों LNB है, एक है HD के लिए और एक है HD के लिए। LNB साइड पर है, वो है HD के लिए। सवाल ये है, डिश टीवी ने दोनों LNB क्यों लगाया? ऐसे LNB भी तो लगा सकता था, HD और HD दोनों में दोनों का सिग्नल कैच कर सकता था, जैसा कि टाटा स्काई या। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिश टीवी इंडिया में सबसे पुराना DTH सर्विस प्रोवाइडर है और उन्होंने ये जो HD के लिए जो सैटेलाइट यूज़ करता है वो है NSS 6। उसका प्लान नहीं था कि वो DTH सर्विस प्रोवाइडर DTH सर्विस में HD भी सर्विस देंगे। 2002 में HD टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इम्प्रूव भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने 6 को HD की तरह ही डेवलप किया। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया और कस्टमर का डिमांड भी बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी भी हाई हो गई और जब ये HD सर्विस आया तो तब उन्होंने एक दूसरा सैटेलाइट भेजा जिसका नाम है ASIANET 5। दोनों सैटेलाइट का सिग्नल कैच करने के लिए दोनों LNB लगाना तब ज़रूरत हो गया डिश टीवी के लिए। से 6 सैटेलाइट है जो कि HD ब्रॉडकास्टिंग के काम में आता है। ये 2002 में लॉन्च किया गया था और इसका लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स, जो इस साल उसका जो वैलिडिटी वो ख़त्म होने जा रहा है। और इसका लॉन्गिट्यूड है 95 डिग्री ईस्ट पे। HD के लिए LNB है कि ASIANET 5 सैटेलाइट से सिग्नल का 2009 में भेजा गया और इसका भी लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स। जो पोजीशन है वो है 105 डिग्री ईस्ट। तो एक है 95 डिग्री ईस्ट और एक है 105 डिग्री ईस्ट। तो दोनों का जो पोजीशन है वो थोड़ा अलग है, तो एक ही डिश में दोनों को अलाइन करना बहुत ही ट्रिकी होता है। HD ने जो नया सैटेलाइट है उसको इस तरह से प्लेस किया कि जो पहला वाला सैटेलाइट था NSS 6 उसका आसपास ही रहे, ताकि हम जब वो डिश को अलाइन करें तो दोनों सैटेलाइट से सिग्नल कैच करें। तो अगर आप HD सिग्नल बहुत ही बढ़िया तरह से आप देखना चाहते हो आपका सिस्टम में, जो सेटअप बॉक्स है उसमें आप सिग्नल जो होम ट्रांसपोंडर पर जाइए और वहाँ पर NSS 6 के ASIANET 5 पर सेट कीजिए और आपका डिस्क को अलाइन करके प्रॉपर सिग्नल गेन कीजिए। अगर आपको नॉर्मल HD सिग्नल देखना है तो ट्रांसपोंडर है NSS 6 के लिए ही आप एडजस्ट कीजिए। आपका कोई भी HD सिग्नल अगर आप नहीं देखते हो तो आपका कोई ज़रूरत नहीं होगा। हल्का HD सेटअप आ रहा है, एक ही उनमें एक ही जो LNB वो आ रहा है और उसमें जो NSS 6 वाला जो LNB है, NSS 6 सैटेलाइट से सिग्नल कैच करने के लिए जो LNB है वही आ रहा है, उसमें HD सिग्नल रिसीव करने के लिए कोई भी LNB नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक देम। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।